ओ भाई एक एक ऑन कर चुकी हूँ मैं। हेलो एक मिनट बस यार ये क्या है 600 रुपए में इतना टींट आया है ना ये बाय गॉड की कसम। बच्चे का होता ना किसी के घर में तो मम्मी अब तक उठा के बाहर फेंक चुकी होती बट मैं क्या कर सकती ये जाके दोबारा ले आएगा इस पे इतना भी कंट्रोल नहीं है। पावर पावर मिल गई यार मारियो लुग्गी खेलिए ना मैं बचपन में मेरे भाई और बहन दोनों इतनी अच्छी खेलते थे ना मेरे को हमेशा लुग्गी मिलती थी और लुग्गी कभी पहला वो जो एक बड़ा वाला वो नहीं आता खड्डा नॉर्मल इतने होते हैं वो इतना होता है मेरा कभी लुग्गी का वो खड्डा नहीं पार हुआ तो मैं अपने भाई को बोलती थी प्लीज यार वो अंडरग्राउंड वाली आग वाली गेम खेलने दे एक दे दे तो कहता था ठीक है एक बार ही दे देता था। हाँ हाँ तो हेलो अगर आपको नहीं पता तो मैं बचपन में सबसे ज्यादा मार सिर्फ गेम्स की वजह से खाता था। वो होती थी ना दुकानों पे जिसपे हैंडल से खेलते हैं मुस्तफा स्ट्रीट फाइटर समझ रहे हो ना कौन सी वाली। तो मैंने कल OLX पे रिएक्शन करते हैं स्टार्ट मैंने एक गेम देखी है कोई विंटेज गेम बेच रहा है जो हम दुकान पे सिक्के डाल के करा करते थे दिल्ली में थोड़ा प्राइस ज्यादा बोल रहा है थोड़ी बार्गेनिंग कर रहा हूँ। ओ हेलो पहले मुझे यहाँ के लिए काउच ला के दो प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ बैठ के मेरा मेरे से कॉन्सेंट्रेट नहीं होता आई एम नॉट गेटिंग क्रिएटिव इनफ। सामान पहले लेना इनको काम बाद में करना। सिक्के डालने वाली गेम जरूरी है या एक काउच जरूरी है बदतमीजी की भी कोई हद होती है। बताओ क्या जरूरी है ऑब्वियसली बैठने के लिए काउच जरूरी है या बचपन की यादें जरूरी है। यार काउच जरूरी है क्योंकि बैठना होता है पॉडकास्ट शुरू करना है वी नीड मतलब अच्छी जगह ये टेबल से हटके। मेरा एक मानना है अगर आपके शौक नहीं है ना तो फिर आपकी जिंदगी नहीं है फिर आप बस एक रोबोट। तो फिर हमारे शौक है अगर सोफे पे बैठने के ऐसे सोचने के तो वो क्यों नहीं पूरे हो रहे उस पर क्यों उंगली उठाई जा रही है तुम अपने करो पूरे मैं पहले ही खरीद लेती हूँ। कमेंट करो बताओ क्या चीज पहले आनी चाहिए ऑब्वियसली काउच क्या चीज ज्यादा जरूरी है मैं बता रही हूँ मैं अगली वीडियो में मजे नहीं कराऊंगी एक्चुअली मैं सबसे जरूरी है रिएक्शन हो रहा है सबसे जरूरी लाइफ में इस समय है मोटरसाइकिल मेरा बर्थडे आ रहा है प्लीज पैसे जोड़ो और बाय गाइस आई थिंक ये वीडियो नहीं हो पाएगी आज क्योंकि मुझे इसको पीटना है बहुत जोर से मुझे आ रहा है इसको पीटना। कैंसर थग लाइफ No hate to anyone. डरता बड़ा है यार चौड़े हो जाओ हम हिंदुस्तानी। अरे मैं डरता नहीं हूँ मैं बस ये कहता हूँ कि हर एक अरे देश के तो लोग मैं ये खराब मैं नहीं अपने होते देश का गाना गा रही हूँ मैं किसी को तो अभी तक मैंने कुछ बोला ही नहीं है ये पहले से ही इतना कवर अप कर रहा है ना ये। चलो छोड़ो अब शुरू करें फिर। फुल फ्लेजेड एक बड़े पैमाने पर वार होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिसका सबसे बड़ा कारण बढ़ेगा आतंकवाद और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही है इनके आतंकवाद बहुत भयानक लेवल पे है इन लोग को लगता है कि पूरी दुनिया में फतह करेंगे लुंगी पहन के यहाँ पर। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a please. टोंट मार जाते हैं बीच बीच में। हाँ सरकास्टिक है। कॉलिक प्लेस की वीडियोस आजकल हम देख रहे हैं तो शाउट आउट टू कॉलिक प्लेस Very nice compilation. खान सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं तो हेलो टू दोस स्टूडेंट्स और खान सर मिले तो यार दिखा देना इसकी यार अच्छे से पढ़ाई करो बता देना और खान सर का नाम ऊंचा करो DCVC बन लो एक बत्तमीज बच्चा भी है क्लास में। पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर लाड़ी मार लिया और पाकिस्तान के लोग को हमारे बात बुरा लगता है कुछ तो हिंदुस्तान के लोग को हमारी बात बुरी लग जाती है कि अरे बाल है आपको बुरा लगता है तो लगे क्योंकि हमको अपना देश पसंद है और बेबी को बेस पसंद है। देखो मेरा ओरिजिनल है देख रहे हो खान सर ओपी इन द चैट खान सर ओपी इन द वर्ल्ड हिंदुस्तानी देखा मुद्दा ही वो है हमको अपना देश पसंद है बाकी बेबी को बेस पसंद है। चकन 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 क्या बातें करते हैं यार खान सर एकदम मजेदार लजीज चलो 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 आगे चलो। देखिए पाकिस्तान के 90% लोगों को 90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे 90% केवल 10% लोगों को लगता है कि वो पाकिस्तान वो हार जाएंगे और वो 10% जानते हैं कौन है पाकिस्तान की फौज। मैं देख लूं आखिरी में क्या बोला मुझे समझ ही नहीं आया यार इसको समझाओ यार तू विजुअल्स पे नहीं ध्यान दे रहा एक साइड पे उसने बंदे बनाए देख जीत जाएंगे 90% केवल 10% लोगों को लगता है कि वो पाकिस्तान वो हार जाएंगे और वो 10% जानते हैं कौन है पाकिस्तान की फौज है। 90% लोग ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे क्योंकि हम लोग तो हमारे जैसे होते हैं घर बैठ के लोगों को कुछ पता नहीं अखबार भी पढ़नी नहीं है ठीक है कोई खबर आई तो इधर उधर से एक खबर पता चलती है और वो मैं फैला देती हूँ पूरी दुनिया में क्योंकि वही मेरा एक मौका होता है ये बताने का कि मेरे को कुछ पता है। वो वाली आंटी याद है पता है और छोड़ना जो जो एक मैसेज आया आंटी उसे दीदी होंगी एक मैसेज आया डर बाद में भाई है एक मैसेज आया
आधा पढ़ा आधा देखा और फॉरवर्ड मार दिया चार ग्रुप्स पे, ये वो है। मैं फॉरवर्ड नहीं करती, मैं से एक्सप्लेन करती हूँ जैसे कि मेरे को ही पता है, जैसे खान सर कर रही हूँ ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वो सारी जनता, जैसे हमारी जनता, हमें कखना पता कि देश में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, तो उनको लगता है कि हम जीतेंगे क्योंकि वही है ना अपने देश से प्यार। तो नोबडी इज रॉन्ग इन दैट, बट जोक तो फिर जोक है ना यार। और जो सरकार है, जो अंदर की सेना है, जो फौज है, उसको तो पता है कि भाई हमारी गनों में रस्ट लग गई है, हमारे मतलब व्हाटएवर कुछ तो होगा ना जो उनके पास हमसे कम होगा, तो उनको डाउट है। तो क्या सुन लो खान सर, वैसे ना निकालते कहाँ से हैं कॉन्सेप्ट यार, आराम आराम से बात करते करते पीछे फोटो के ऊपर एक चीज लिखते हैं और वो जोक ऑफ द सेंचुरी हो जाता है। आगे देखते हैं। बस इनके फौज को ही लगता है कि ये लड़ाई में हार जाएंगे, बाकी इनकी जनता तो दूसरी दुनिया में जीत रही है। इन्हें लगता है गजवाए हिंद, हिंदुस्तान कोई बर्थडे का केक है, आएंगे काट के छल जाएंगे, गजवाए हिंद। अरे इतना थूरेंगे लोग थोड़ा पाकिस्तान को। वाओ खान सर, मुझे लगा था कि इनको लगता है कि हम रसगुल्ले हैं, कि आएंगे ऐसे हाथ डालेंगे, चाशनी निचोड़ेंगे और खा लेंगे। अच्छा बड़े, हमसे पंगा नहीं लेना। चलो चलो आगे। ये तेरा उनके केक वाले उस पे जोक था। हाँ अभी हम खाने पीने की चीज़ों के बारे में। अरे इतना थूरेंगे लोग ना थोड़ा पाकिस्तान को कि हम लोग पूरा पाकिस्तान को भगवाए हिंद करके रख, गजवाए हिंद करने चले। अरे यार तुमको कौन समझाए कि इतना सपना दिन में मत देखा करो। और हिजड़े कितना भी सपना देखे ना, हिजड़े कभी बाप नहीं बन सकते। ये तो मुझे कुछ ज्यादा कुछ जोक्स ऐसे होते हैं जो अब हम उसकी तरफ सेंसिटिव हो गए हैं, सम टुवर्ड्स सम कम्युनिटीज। पहले आई थिंक ऐसा नहीं होता था ना, हम भी ऐसे जोक्स में हंसा करते थे, उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि अगर लड़का लड़के से प्यार करे तो उसको डॉक्टर को दिखाओ। तो मेरे दोस्त है यार गए हैं, वो प्राउड टू बी फ्रेंड्स विद देम, तो हो जाता है, कोई बात नहीं। कहते हैं जस करनी तसो भोग ही पावा। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया, आज इनको समझ में आता है इन आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया। हाँ खैर, अल्लाह इन आतंकवादियों पर रहम करे, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी तो इन्हें रहम करने वाली है नहीं। इन लोग को लगता है कि ये किसी मासूम को बम फोड़ के मार देंगे, किसी होटल में ट्रेन में बम फोड़ देंगे, तो इन्हें अल्लाह माफ़ करेगा और जन्नत देगा। देखिए आतंकवादियों को माफ़ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुँचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। सोचते रहते होंगे ये पता है, ये पता क्या होता है कि आपने एक पिक्चर देखी है, अब ये हमने कितनी पिक्चरें देखी हैं जिसमें इंडो पाक टेररिज्म ऐसे ऐसे कोई भी ग्रुप्स बनाए हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो पाकिस्तान में है, तो वो ऐसे बोल रहे हैं ना कि ये वो कुर्बानी है, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, ये वो है, ये ऐसे ऐसे करके माइंड वॉश करते हैं, वो बताते हैं ना। तो ये खान सर ने आज से 50 जितने भी मिलियन ईयर्स पहले ये डायलॉग सुन लिया, उसके बाद खान सर बैठे बैठे और फिर एक दिन उनको याद आया, ओ यार ये बात सही बोल रहे हो तुम, हर पिक्चर में हर डायलॉग हर चीज ये सही है, क्योंकि इसका सार आज हमें उन्होंने समझाया बड़े तरीके से। तो ऐसे खान सर ना ऐसे बैठे होते हैं और अचानक से उनको जोक आ जाता है, हमारी तरह नहीं है किताब से निकाले हुए इधर उधर की चेप के डाल दिए, नो ही इज अ रियल चैलेंजिंग पर्सन, यू नो, इतनी बुद्धिमान बात कर रही है। अब क्या दिखा रहे हैं, दे दिया तो हम लोग को पीओके को वापस लाने का, यही एक अच्छा बहाना हो जाएगा, तुम आतंकवादी हमला करो हम लोग इधर से पलट के कर देंगे। अब अमित शाह के लिए तो भैया खुशी का कोई ठिकाना नहीं, 2024 के चुनावी मैनिफेस्टो में कर देंगे कि एकदम इस बार हम लोग लेके आएंगे पीओके। अच्छा बात है भैया, हमारा जो टुकड़ा हुआ भारत है अखंड भारत बन जाए, ऐसे कोई अजुराते रहे हम लोग थूर थार के बराबर कर देंगे, कौन सा डर लगा हुआ है हम लोग को, अखंड भारत हम भी चाहते हैं भैया भारत अखंड हो जाए, हम कहां से कहां तक चालू होते थे यहां पर। सलमान खान एकदम खुश है, ये क्या लिए खुश है, करा कि भैया मेरा एक तो मूवी था बहुत हिट कर गया, एक था टाइगर, अब 2024 में एक तो मूवी बनाने जा रहा है, इसको क्या लगता है भाई साहब, सलमान भाई बजरंगी भैया इनका क्या सोचना है कि भैया 24-25 में जब पाकिस्तानी हमला करेगा तो भारत के हमले में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो एक मूवी बनाना चाहते हैं, एक था टाइगर नहीं एक था पाकिस्तान। कहां से आ रहे हैं ये ऐसे ही आते हैं, इनको आकाशवाणी होती है, मैं बता रही हूँ।
एक कमेटी बिठाओ, कहाँ से निकल रहे हैं इनके, जैसे होते थे ना वो रॉक स्टार, और वो रॉक स्टार को बोला जाता था कि कहाँ से आया आपको ये गाना, कहाँ से मिला, और उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं और अलग अलग तरह की थ्योरियाँ हैं कि डोर्स जो था वो ऐसे था, वो नशे करता था, वो बैठ के ऐसे सोचता था, उसको हलूसिनेट करता था, कोई आता था, अरे वो डोर्स डोर्स और ये पिंक फ्लॉयड, ये सारे उनकी थ्योरियाँ ऐसे बनाई हैं कि भैया ये बैठे होते थे और कोई आता था और वो पूरा पूरा गाना लिखा होता था सुबह, उनको खुद नहीं याद है वो गाने कैसे लिखे गए हैं, जो गाने लाइफ टाइम वो पहुंच चुके हैं। जैसे खान सर से मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ से, मतलब वेयर फ्रॉम वेयर इट कम्स, कहाँ से आया, द वेरी नेचुरल ऑर्गेनिक बंदे में, ऑर्गेनिक जो नेचुरल होता है, मतलब गाली नहीं, जैसे बकर है, एक बकर है, एक वर्ड है बकर, ठीक है, अच्छा भी है मानते हैं उसको, बुरा भी मानते हैं, बकर कर रहे हैं, कोई मजाक में लोग लेता है, कोई ऐसे गाली की तरह लेता है, ठीक है, तो अब बकर एक कैरेक्टर है, ठीक है, इंसान कुछ होते हैं जिनके बातों में, हर बात में ये वाला वर्ड है, ठीक है, अब वो टैलेंट है, वो कुछ ही लोगों में होता है, पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब वाला एरिया है ना, बस यही ठीक है, लेकिन उधर खैबर पश्तूनवा हो गया या फिर बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, तो पानी की इतनी भयानक समस्या आने वाला है, अब इन लोग को पता ही नहीं है, इन लोग अभी दूसरे दुनिया में जी रहे हैं, इनको कहना है कि कश्मीर में वापस 370 लगाया जाए, भैया कौन दुनिया कौन सा नशा करता है, सभी सबको नहीं समझ में आता है, मत तुरा काला से 370 इनका नशा उतर चुका है, इमरान खान पता ही है आपको, एज पर करंट सिचुएशन वो वोट आउट हो चुके हैं, और उन्हीं के ही पार्लियामेंट जो भी होता है उसमें उनको वोट आउट कर दिया गया है, एंड अब वो ये परेशान हो रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं पोल खोलूँगा, तो इतने टाइम से थोड़ा चिल मार रहे थे, अब वो जागे हैं, पोल खोलूँगा मतलब अपनी देश के विभीषण बनेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एवरीवेयर, तो या वी वांट गॉसिप, मत हो सकता है इमरान खान एक पिक्चर ही निकाल दे कि तो इमरान खान सर गिविंग यू फुल रिस्पेक्ट, प्लीज गिव अस सम गॉसिप, या चुपचाप एक स्टोरी स्लाइड कर दे कहीं बॉलीवुड में, हो जाएगा बना देंगे, जस करनी तस भोग ही पावा, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया, आज इनको समझ में आता है इन आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया, पता नहीं कौन इन लोग को पढ़ा देता है कि किसी होटल में जाके आप मार दीजिएगा, मासूम बच्चों को बम से उड़ा दीजिएगा, गोली मार दीजिएगा, रेलवे स्टेशन पे जाके बस स्टैंड पे फोड़ के, तो इन्हें जन्नत मिलेगा, और जन्नत में इनको 70-70 तो हूर मिलेगी, परी हूर परी मिलेगी, अजब हाल है ससुर, इन सौ का मेंटेलिटी देखो, हम लोग हिंदुस्तान वाले सोचते हैं कि मरने के बाद शांति मिलेगी, ये सब ससुरा दुनियादारी बहुत खराब चीज है, इस तरह मरने के बाद वो सोचता है सब घूमो एकदम ठर के वो पत्थर को कब, तो वैसे तीन तीन चार चार बीवी, उसके बाद भी इनको वहां पे नूर चाहिए, कितनी कर छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं यार, वैसे पाकिस्तान की लड़कियां होती भी तो हद सुंदर है ना यार, सीरियस बात को भी ना ये और मतलब मैं सोचता हूं क्या पता ये कुछ निकाल के लाएगी कि यार क्या मेंटालिटी किसी को दी जाती है, अबे छोड़ ना, अब ये बात कर रहे हैं ना तो इसमें इससे मेरे को पता क्या याद आ रहा है, एग्जैक्टली मुझे क्या याद आ रहा है, मैंने एक अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी है, एक यूट्यूबर है बियर बाइसेप्स, ठीक है, उसकी मैंने वीडियो देखी है जिसमें ही मेट समवन और उन्होंने वो बताया कि कसाब जो दिखा रहे हैं जिसने जो लास्ट में पकड़ा गया था वो कैसा सोचता था, क्या बात करता था उस बारे में वो बता रहे थे उस वीडियो को, और मैं वो सीरियस वीडियो है, मैंने पूरी वीडियो देखी है, मेरे दिमाग में वो चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तीन शादियां जन्नत में हूर, अगर पंजाबियों को, अगर पंजाबियों को परांठे खाने हैं नाश्ते में और उसके साथ उनको मक्खन और दही चाहिए तो वो एक कल्चर है, ठीक है, अब पंजाबी अगर यूएस में भी चला जाएगा वो परांठा खा रहा है वो मक्खन और दही मांगेगा, ठीक है, तो जैसे आप पले बड़े हो आप उसको कोई सेंस है, हाँ इसकी दुनिया अलग है भाई, हमारे घर में डिबेट होती है कभी कभी, आप नहीं सुन पाओगे क्योंकि उसके बाद लड़ाई हो जाती है किसी और के टॉपिक पे, हाँ यार सोचो मोमोज पे हो जाती हमारी लड़ाई, ये बताइए इसको कोई चढ़ा दिया कि इसको 70 हूर मिलेंगी, सब जाके बम फोड़ दिया ताज होटल में, इसको क्या हाल हुआ होगा, चिथड़ा उड़ गया इसका, इसको जन्नत मिल गया होगा, तुम्हारा सपना ही रह जाएगा भारत को जीतने, ससुर हम लोग चांद पे चल गए, लोग मंगलयान लेके मंगल ग्रह पे चल गए, अभी सोच रहा है कि कश्मीर में कैसे घुसा जाए, सोचो ससुर हम कितना समझाएंगे, हमारा समझने तुम समझेगा, खैर आप लोग समझ गए ना, ये रिपोर्ट उपोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही ये रिपोर्ट आई है, और होगा भी तो क्या करेंगे हम लोग पे, चाकू गिरे तरबूजा पे चाहे तरबूजा गिरे चाकू पे, कटना तो तरबूजा को है, यही लोग कटेंगे लोग यहाँ पर, और क्या करिएगा हम लोग को, आई होप आप इस रिपोर्ट को समझे होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। खान सर स्वैगी हैं, वो जिस तरह से
एक बहुत बड़ी बात को नॉर्मल तरीके से बोल जाते हैं ना, वो एक बंदे का हुनर है। वाओ, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान सेम टाइम पे हमें इंडिपेंडेंस मिली, हम दोनों देश अलग हो गए, राइट। अब इंडिया कैसा है, वो एक ऐसा बच्चा है जो जो पढ़ता है, जिसका कंपटीशन अपने आप से है, ठीक है। मुझे बेटर होना है, मुझे और अच्छा करना है, मुझे दुनिया से भी कम्पीट करना है, मुझे बेटर होना है, एक हेल्दी कंपटीशन। पाकिस्तान क्या है, सड़ू बच्चा, वो जो कि उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं फेल हो गया, उसको ये प्रॉब्लम है कि बाकी जो मेरा दोस्त था वो क्यों पास हो गया। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है, यही फ़र्क है इंडिया पाकिस्तान में, कि हम अपने पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहते हैं और वो दूसरे को गिराना चाहते हैं, फिर अपना कोई फायदा हो जाए तो हो जाए। अब पुलिस आ रही है तो डाल दो हटकड़ियाँ, हिंदुस्तान की जय हो, मेरे को ना भारत माता की जय, मेरे को क्यों भड़काते हो यार तुम। बस मैं ये कहना चाहती हूँ डिसेंट तरीके से ये बाकी सब काट देगा जो मैंने बीच बीच में बोला है। तुम बोलते, कुछ लोग बोलते हैं ये भाई साहब क्यों बैठे हैं साथ में, जो और मेरा काम सिर्फ चिंगारी फेंकना है, मैं साथ बैठता हूँ, रिएक्शन मेरे को लगता है कि मेरे इतना नेचुरल नहीं आते, मैं सीधे सी देखता हूँ कोई चीज, मगर मेरा काम है आग में थोड़ी सी घी डालना और उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हो। आई थिंक यू शुड थैंक मी, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस रिएक्शन। अगली खान सर की वीडियो लेके आते हैं, बहुत यार तुम यार हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके भूल जाओ ना, हम डालते हैं उसमें कम ब्लॉग्स हैं, भूल जाओ एज इन कि आपको आएंगे। अगर आप ब्लॉग्स देखते हो तो ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो और डालने नहीं दे रही, रिएक्शन बनाई जा रही है ये ब्लॉग। अरे मजे ही आ रहे हैं, और मेरी बात सुनो, और जो ये सब बातें है ना कि अपने बारे में ये बता दो अपने बारे में, वो सारे ब्लॉग में ही बताऊंगी। तो अगर चाहिए कि अंदर की इनसाइड गॉसिप ऑफ और इसी चैनल पे हमारे पुराने ब्लॉग्स हैं जो काफी चले नहीं, वो ट्रैवल और हमारी लाइफ से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। 200 वीडियोस हैं अप्रोक्सीमेटली, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। हम बहुत देर से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस हलवा बना रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, खान सर से इंस्पायर हो रही हूं मैं, क्या बढ़िया बढ़िया पंच लाइंस निकल रही है। एक काम करो, ये तो मैं इसको वो डाल दूंगी, क्या कहते हैं इसको, ये जो अभी निकला ना बहुत टाइम से ये बना रहे हैं, बट अभी मीठा हुआ है, ये मेरा वो है, क्या है ये मेरा अपना ओरिजिनल कंटेंट, अगर किसी ने कॉपीराइट क्लेम डाल दूंगी अगर किसी ने वीडियो पे यूज किया तो। चलो अब इसके सिद्धा धो चुके हैं, नीचे मेरे चावल उबल रहे हैं, मुझे जाके गैस बंद करनी है। आइसा लवेस्ता बेबी, टेक केयर, हैव फन, हंसते रहो और हंसाते रहो यार, लाइफ बड़ी कमाल की चीज। मैं तो जा रही हूँ, मेरा हो गया आज का, बाय।